mai. Aici o picat direct în vamă. रूस ने फरवरी 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से तोड़कर अपने में मिला लिया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी सेना ने क्रीमिया को अपना लॉन्च पैड बना रखा है। यहीं से रूसी सेना यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी क्रीमिया को रूस से आजाद कराने की कसम खा रखी है। और इसी कड़ी में यूक्रेनी सेना क्रीमिया पर एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइल हमले कर रही है। दरअसल 1 अक्टूबर 2023 को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी इलाके में यूक्रेन के 6 ड्रोन और क्रीमिया में 2 मिसाइलों को मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने दक्षिणी क्रास्नोडार इलाके में यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया, जबकि 3 ड्रोन पश्चिमी स्मोलेंस इलाके में गिराए गए और इसी इलाके में यूक्रेन के 2 और ड्रोन गिरा दिए गए। वहीं क्रीमिया के दजानकोई इलाके में यूक्रेन की मिसाइलों को मार गिराया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है ऑपरेशनल टेक्निकल ग्रूम 2 मिसाइलों द्वारा एक आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद से रूसी सेना लगातार यूक्रेन के खेरसौन इलाके में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। 1 अक्टूबर 2023 को खेरसौन के दक्षिणी इलाके में रूस ने हवाई हमला किया। इस हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। जहां पर यह हमला हुआ वो इलाका खेरसौन के उत्तर पूर्व में करीब 30 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा बेरिस्लाव शहर पर भी शाम करीब 5 बजे हमला हुआ। यहां पर रूस ने गाइडेड एरियल बॉम्ब से हमला किया था। इस हमले की वजह से शहर के गैराज, एक अस्पताल और एक रिहायशी बिल्डिंग की खिड़कियां उड़ गई और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा नीपर नदी के इसी इलाके में वेस्ले गांव पर भी रूस ने एक बड़ा हमला किया जो नदी के पूर्व में स्थित है। इस हमले में एक 63 साल की महिला बुरी तरह घायल हो गई। और हमले से पहले रूसी सेना ने खेरसौन शहर में एक रिहायशी इमारत पर भी हमला किया था। इसके अलावा रूसी सेना ने स्टैनिस्लेव शहर में भी बमबारी की जिसमें 2 लोग घायल हो गए। हालांकि राहत बचाव टीम ने मलबे में फंसी 2 महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। वहीं दूसरी तरफ क्रीव री शहर में भी रूसी सेना ने हमले किए जिसमें बिजली सप्लाई और गैस को बुरी तरह नुकसान हुआ है।